कामिला तो वीरे बब चक्र का फेरा न एक कब सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर दे सुख जाता दूर है तो क्यों वाव मरण प्रवाह में चक चूर लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए परिवार या कुटुंब है क्या वृद्धि नय पर तो संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो वैदिव्य तत्व जिससे बंधना से मुक्त हो पर वस्तु में चित न हो इसकी रहे मुझको दया सदा ही प्राप्त रे रसाद मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूँ परिहार क्या इसका विचार विवेक पूर्व शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में होते हैं तारुव हुई तारुव शीघ्र अनुभव कीजिए सर्वात्म में समदृष्टि द्योय वच हृदय लख लीजिए ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्
वंदितु शब सिद्धे धूम चल मनोवंगे पते गोच्छामि समय पाहुन विडमौषध के वेली वणिद नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवावाय वावाय सर्वभावान्तरचरे। हे उपादेय की चर्चा परसों हमने स्टार्ट की थी और वह पूरी नहीं हुई थी, उसकी चर्चा आज अपन पूरी करेंगे। सबसे ज्यादा समझने लायक यदि कोई विषय है तो वह है हे उपादेय। हे का मतलब त्यागने योग्य, लेकिन क्या त्यागने योग्य क्या, इसकी चर्चा अपन कर रहे थे। आपको दो मिनट में परसों का रिपीट कर दें, कल हमने जानबूझकर ये विषय इसलिए नहीं लिया था कि वो परसों के श्रोता शायद कम्बर्ड हो गए हों, तो अपने परसों वाले श्रोताओं को मुख्यता में लेकर के ये विषय को कल नहीं रखा था, आज रख रहे इसको। मन वचन काय अर्थात आचरण, लोगों ने पूछा था चारित्र और आचरण में क्या अंतर है, तो आचरण शरीर की मुख्यता से कहा जाता है, मन वचन काय के व्यवहार को लोक में आचरण कहने में आता है। जब भी हम कहते हैं आचरण सुधारो, माने अपने वचन सुधारो, तो वचन में क्या सुधारने लायक था, हित मित प्रिय, हितकारी बोलो, मित माने कम बोलो, प्रिय बोलो माने ऐसा बोलो जो अच्छा लगे। इसकी चर्चा करने में एक घंटा लगेगा, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा, आप इस पर अनुसंधान करें। मन में स्वयं पर के कल्याण की भावना, वो उपादेय है, करने लायक है, और अहित की भाव, दूसरों के अहित का भाव बिल्कुल करने लायक नहीं है, ये मन की बात हो गई। काया की चेष्टा में आपको याद होगा विवेक युक्त आचरण और अहिंसात्मक आचरण, दो चीजें हैं विवेक युक्त और अहिंसात्मक आचरण, ये तीनों बातें मन वचन काय की हुई। इसके बाद हमने प्रारंभ किया था श्रद्धा ज्ञान चारित्र। ज्ञान की चर्चा अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, परसों भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था ज्ञान के बारे में, लेकिन मैं यदि समय बचेगा तो आखिरी में करूंगा। अभी मैं श्रद्धा और चारित्र इन दो की बात करेंगे। किस किस की बात करेंगे अपन, श्रद्धा और चारित्र इन दो की बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए आप, श्रद्धा में आपको याद है उस दिन का एक ही उपादेय होता है, श्रद्धा में एक ही उपादेय होता है, बाकी कोई उपादेय होता ही नहीं है, केवल ज्ञान भी उपादेय नहीं है, केवल ज्ञान ही उपादेय नहीं तो पूजा पाठ तो कहां गई। जब केवल ज्ञान ही उपादेय नहीं है, शुद्ध पर्याय ही उपादेय नहीं है, तो अशुद्ध पर्याय पुण्य पाप का पर्याय पुण्य पाप के भाव ये उपादेय कैसे होंगे, होंगे सब। हे परिणाम, ध्यान से सुनना पॉइंट है, हे भाव हो सकते हैं, हे भाव हो सकते हैं, लेकिन हे भाव उपादेय नहीं हो सकते। क्या बोला, हे भाव होने से कोई खतरा नहीं है, हे भाव होने से कोई खतरा नहीं है, बसरते तुम हे को हे समझो, हे को उपादेय मत समझो। मैंने बहुत सारे दृष्टांत दिए थे उस दिन आपको, बारात लगती है, शादी होती है, एक ही लड़के की शादी है तो न्योछावर देते हैं, लेकिन उस समय भी मालूम है कि यदि हमने 10 लाख का बैंड किया है और 1 लाख न्योछावर कर रहे हैं तो ये फोकट में जा रहे हैं, उस समय भी हे भाषित होता है। हो तो सकता है न्योछावर करने का भाव आए बिना रहता नहीं, बैंड बाजे वालों को जितनी आपने वो देना ना पैसे वो तो देने ही है, लेकिन न्योछावर दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में जा रहे हैं पैसे, ये बात आपको मालूम है कि फ्री में जा रहे हैं, इसका नाम है हे। ऐसे ही पूजा पाठ का परिणाम होता तो है, होता ही है,
होता ही है परंतु होने लायक नहीं है। यदि आपको निर्विकल्प शुद्धोपयोग में रहना है, केवल ज्ञान पाना है, आत्मा में लीन रहना है, तो पूजा पाठ का परिणाम हो उतना खतरा नहीं है, लेकिन उसको करने लायक मानना, करने लायक माने उपाधेय मानना, ये खतरनाक है। चक्कर आ जाए, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, मैं उन्हीं का दृष्टांत रिपीट करूं। खांसी आ जाती है ना, खांसी तो अब बीमारी हो गई खांसी की, तो खांसते रहे तो लोग क्या भैया इलाज करा लो, अरे बोले भैया ज्वाइंट परिवार है, बहुओं बेटियों का घर है, इतनी खांसी तो काम आती है। इतनी खांसी काम आती मतलब ये अपने को किसी कमरे में जाना है, बहुएं हो तो खांसते ना, किसी घर में एंटर करना हो तो पहले थोड़ा सा खांस देते हैं ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। तो इतनी खांसी तो ठीक है, तो किसी ने कहा भैया यदि तुम्हें खांसना है तो नकली खांस लेना। अब वो सेठ बोलता है मैं नकली क्यों खांसूं, जब भगवान ने मुझे असली दी है तो मैंने मुझे खांसी है तो मैं असली खांसूं ना, कि भैया तुझे खांसी है वो इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन तू तो खांसी को ही अच्छा मान रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ऐसे ही पूजा पाठ का की खांसी, पूजा पाठ के शुभ भाव होने में खतरा नहीं है, व्रत उपवास होने में खतरा नहीं है, लेकिन तुम उसे उपाधेय मान लेते हो, ये खतरा है। अब तो समझ में आई नहीं बात, नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं अभी पूरा खुलासा करूंगा अभी और आगे आगे बढ़ते चले। तो ध्यान रखना उपाधेय श्रद्धा में एकमात्र आश्रय भूत ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ही उपाधेय है, बाकी सब हे है, बाकी सब हे है। हे माने घृणा नहीं, हे माने नफरत नहीं, हे माने त्याज भी नहीं, हे माने त्याग नहीं, योग्य नहीं, पकड़ो शब्द, हे माने जिनका विकल्प ही उत्पन्न ना हो, हे मतलब जिनका विकल्प ही उत्पन्न ना हो। मैं बहुत सरल दृष्टांत दूं, इस छोटे से बच्चे को समझ में आ जाए, ऐसा बोलो भैया अपन अपने घर में घुस जाते हैं, दूसरों के घर का विकल्प करते हैं तो दूसरों के घर का विकल्प भी नहीं करते, कि शर्मा जी के घर में नहीं घुसना, वर्मा जी के घर में नहीं घुसना, सिंधी भाई के घर में नहीं घुसना, ऐसे नहीं करना पड़ता। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए, हे को हे करने को नहीं जाना, हे करने का मतलब है वो याद नहीं आए, हे का मतलब है कि भाई याद नहीं आए, हे करने में झगड़ा नहीं है, ध्यान रखना हे करने में झगड़ा नहीं है, लेकिन कहने जाओगे तो झगड़ा होगा। बता दूं कैसे होगा झगड़ा, बोलो भैया कल हमारे यहाँ भाई की शादी है, तुम बताना, तुम भी बताना भैया, तुम ये हो भैया पिटोगे, एक काम करो जिन जिन को बुलाना है उन्हें निमंत्रण दे दो, उपाधेय को ग्रहण कर लो, उपाधेय को बुला लो, उपाधेय को ग्रहण कर लो, इसी का नाम है हे की हेता। लेकिन तुम याद कर करके करते हो ना, पूजा पाठ हे है, व्रत उपवास हे है, क्रियाकांड हे है, सुनो इससे झगड़ा होता है। सुनो त्रिकाली उपाधेय भगवान आत्मा है, तुम उसमें लीन हो जाओ, उस समय ना पूजा का विकल्प आएगा, ना पाठ का विकल्प आएगा, ना व्रत उपवास का विकल्प आएगा, इसका नाम है हे। अब तो ठीक है, ऑटोमेटिक हे, जैसे अपने घर में घुस गए ये उपाधेय, और बाकी सबके घर का विकल्प भी नहीं करना पड़ा, इसका नाम, समझ में आया कुछ? पूजा पाठ व्रत उपवास को घृणा कर करके हे नहीं करोगे आप, यदि ऐसे हे करोगे तो झगड़ा भी होगा, और ये हे करने की विधि भी नहीं है। मैं इसे समझाने के लिए और थोड़ा खुलासा करता हूं, हे को हे कभी नहीं करना, उपाधेय को ग्रहण करना ही हे कोई हेता है। क्या बोला? उपाधेय को ग्रहण करना ही हे की हेता है, हे हे या, हे की हेता है। मैं दृष्टांत दे दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा, पॉइंट नोट कर लिया ना, अभी समझो। देखो आजकल बॉम्बे में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पाप का होता है बॉम्बे वगैरह में ही है, माने एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए में ना ऊपर छत मिलती है ना नीचे जमीन मिलती है, मैंने इतनी बुरी हालत है, एक डेढ़ करोड़ में ढाई कमरा, और फिर भी बड़े खुश होते हैं पुण्य का होता है। खैर जो भी कुछ है अपने कोई ज्यादा लेना देना नहीं, तो ढाई कमरा कैसा होता है कि दो कमरे तो वही होते हैं जो दिखते हैं सबको, और एक किचन होता है उसके आधे में लेटरिंग होती है और आधे में किचन होता है,
और उसी के बाहर बैठ करके वो डाइनिंग टेबल होती है, वहीं भोजन करते हैं। अब दृष्टांत हो, अपने ज्यादा खींचतान नहीं करना। अब मान के चलो मैं बैठा वहां जाकर के, तो रसोई घर में से इधर से भोजन आ रहा है और इधर वो है, तो मैंने पूछा ये क्या है इधर ये क्या है इधर, यहाँ क्या रखा रहता है? तो बोले पंडित जी नाम मत लो आप। अरे नाम बताओ ना पंडित जी, आप रसगुल्ला देखो आप तो आनंद करो, खाओ पियो जोरदार। तो मैंने पता लगा लिया कि यहाँ क्या है, पता लगा लिया। तो अभी सही बताए ना, मुंह में रसगुल्ला है और विचार इधर के हैं, इधर के। रसगुल्ले का मजा आएगा कि नहीं आएगा है? तो मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ बिल्कुल, जी रसगुल्ले में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, यहाँ क्या है? मैंने वो बार बार मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ क्या है? बोले पंडित जी जब तक आप उसे याद करोगे रसगुल्ले का मजा नहीं आएगा। तो क्या करें कि आप तो रसगुल्ले में ध्यान लगाओ दृष्टांत समझाने के लिए। तो अब मैं ऐसा सोचने लगा कि रसगुल्ला खाते समय इधर क्या है नहीं सोचना इधर क्या है नहीं सोचना, गंदी गंदी चीज है, एलो एलो सोचना ही नहीं, कुछ हो अपने कोई मतलब नहीं, येलो हो ग्रीन हो चक्कर में नहीं पड़ना, अपन तो रसगुल्ले का स्वाद ले। सही बताना अब रसगुल्ले का स्वाद आएगा? मेरा दृष्टांत देखा जरा सरल पड़ता था इसलिए दिया। निषेध करने में भी हे चीज उपादेय हो जाती है। क्या बोला? पुण्य पाप हे है, हे है, हे है, हे है। यदि तुम आत्मानुभूति के काल में हे करने जाओगे तो वो उपादेय हो गया और भगवान आत्मा हे हो गया। आहा, जिसको उपाधि करना है उसका ग्रहण करो, उसका अनुभव करो, उसकी फीलिंग करो, बाकी को भूल जाओ ने। बहुत सारे दृष्टांत दे दिए, जिनको बुलाना उनसे कहो पधारो। अभी मान के चलो कल सम्मान समारोह होगा, सुनो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, ए सेठ जी तुम्हारा भी नहीं करेंगे और तुम्हारा भी नहीं करेंगे, तो पिटूंगा मैं। लोग ये कहेंगे कि सम्मान नहीं करना था तो मत करते, तुमसे कहता कौन है, लेकिन तुमने भरी सभा में हमारा नाम लेके क्यों कहा कि तुम्हारा सम्मान नहीं करना है? आप तो जिनको करना उनका कर दो, ऐसी त्रिकाली उपाधेय को ग्रहण कर लो तो देव सास गुरु ऑटोमेटिक हे हो गए, व्रत पूजा पाठ भी ऑटोमेटिक हे हो गई, गुण भेद भी हे हो गए, और यहाँ तक कि शुद्ध पर्याय भी केवल ज्ञान सम्यक दर्शन वो भी हे हो गए। अब तो हे उपाधेय का मतलब समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? उपाधेय का ग्रहण कर देना ये उपाधेय है, और उपाधेय के ग्रहण के काल में अन्य ग्रहण नहीं होता, विकल्प नहीं होते, लक्ष्य नहीं होता, इसका नाम हेय है। बोलो भैया, एक पंडित जी थे मोह में प्रवचन करने आए, पंडित साहब विराजमान थे तो वे प्रवचन कर रहे, तो उन्होंने जरा ऊंचा प्रवचन करने के चक्कर में छाइक पर्याय भी हे है, किसी काम की नहीं है, चाहिए ही नहीं, ऐसे ऐसे मन इतनी नफरत से बोल रहे थे। तो पंडित साहब बोले चिंता मत करो, तुम्हें छाइक पर्याय नहीं होएगी भाई, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा जब नहीं चाहिए, इतना परेशान क्यों हो रहे हो कि केवल ज्ञान नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए? अरे केवल ज्ञान को गाली देने से हे नहीं हो जाता। मैंने क्या बोला? हे को हे करने जाओगे तो उपाधेय हो जाएगा, उपाधेय को ग्रहण करो, बाकी हे ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो बहुत सरल बात है। बोलो भैया पांचवी कक्षा छोड़ोगे तभी तो छठी में जाओगे? बोलो बोलो जरा, दसवीं कक्षा छोड़ोगे तभी तो ग्यारहवीं में जाओगे? बोलो बोलो भैया क्या कह रहे हो? अरे तू ग्यारहवीं में जाएगा, दसवीं अपने आप छूट जाएगी, दसवीं छोड़ने से कोई ग्यारहवीं में नहीं आ जाता। ऐसे ही आत्मा में जाने पर शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव तीनों हे हो जाती हैं। क्या कहा क्या कहा? कई लोग तो अभी पूजा पाठ को हे सुनने में घबराते हैं, और अभी हम क्या बोल रहे हैं? शुद्ध भाव भी केवल ज्ञान भी हे है। हे है माने घृणा नहीं, हे माने नफरत नहीं, बल्कि मैं एक बात समझाऊं आपको, केवल ज्ञान के बारे में दो बातें लिखी गई हैं। एक तो लिखा गया है सर्वथा हे, और एक लिखा गया है उपादे, सर्वथा उपादे। ले ये समझ में नहीं आई हमें बात, सुनना ध्यान से। केवल ज्ञान के बारे में दो बातें लिखी गई हैं, कौन कौन सी? सर्वथा हे भी लिखा गया है और सर्वथा उपादे भी लिखा गया है। पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वो सर्वथा हे या सर्वथा
उपाधि। दो बातें कैसे हो सकती हैं? सुनोगे? बोलो, सुनोगे, याद रखोगे? सुनो, श्रद्धा की अपेक्षा से आश्रय के लिए सर्वथा है, क्योंकि श्रद्धा में त्रिकाली आत्मा ही उपादेय होता है, इसके अलावा कोई भी उपादेय होता नहीं। अब सर्वथा उपादेय क्यों लिखा है? कि प्रकट करने के लिए सर्वथा उपादेय है, सर्वथा प्रकट करने योग्य है। केवल ज्ञान अरहंत दशा सिद्ध दशा सर्वथा प्रकट करने लायक है, ये चारित्र की मुख्यता है। चारित्र में सर्वथा प्रकट करने लायक है और श्रद्धा में आश्रय करने लायक नहीं है। मैं जानता हूं दिल्ली के लेवल वालों के लिए थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, पंडित जी क्या नई नई बातें छेड़ रहे हो आप। एक तरफ कह रहे हो कि केवल ज्ञान सर्वथा प्रकट करने लायक है और एक तरफ कह रहे हो केवल ज्ञान सर्वथा आश्रय करने लायक नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सरल। देखो मैं समझाऊंगा आप, ये पहले सरल दृष्टांत दे दूं एक दो, फिर मैं सिद्धांत समझाने की कोशिश भी करूंगा, कोशिश करूंगा। भैया जरा लाइट बंद करना, तो भाषा बोल रहे हैं लाइट बंद करो, तो आप लाइट के पास जाते हो कि स्विच के पास जाते हो? देखो कितनी सिंपल बात, स्विच के पास। जरा पंखा बंद करो, तो पंखा हमें हाथ डालते हो? पंखा में हाथ कोई नहीं डालता, तो कहां जाते हो? स्विच के पास। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम कहते हैं केवल ज्ञान प्रकट करो, इसका मतलब ये नहीं है केवल ज्ञान का आश्रय करो, आश्रय करो स्विच का, ऐसे आश्रय करो त्रिकाली आत्मा में लीन होने का। जो त्रिकाली आत्मा में लीन होते हैं, माने त्रिकाली आत्मा का आश्रय करते हैं, इसका नाम है आश्रय योग्य उपाधेय। उपाधेय माने अनुभव करने लायक, ग्रहण करने लायक, आश्रय करने लायक, अहम करने लायक। और जब आत्मा में अहम करते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर से सुनो, बोलते तो हैं पंखा बंद करो, लेकिन कोई माई का लाल पंखे में हाथ डालता नहीं। हम कहते पंखा चालू करो, तो ऐसा कोई करता है बांस लाके हिलाए? ऐसा तो कोई नहीं करता। माने हम कुछ भी कहें, पंखा प्रकट करने लायक है, लाइट प्रकट करने लायक माने चलाने लायक है, लेकिन चलाने की विधि तो अब समझो, एक श्रद्धा है और एक चारित्र है। चारित्र के फल में केवल ज्ञान होता है, चारित्र के फल में केवल ज्ञान होता है, अनंत चतुष्टय होते हैं, लेकिन वो होते कहां से ये तो बताओ। कि जहां आत्मा का आश्रय किया जाता है, ध्यान रखना केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं होता। नियम सार जी में तो केवल ज्ञान को परद्रव्य लिख दिया, क्या कह रहे हैं, शुद्ध पर्यायों को परद्रव्य लिख दिया। सुन रहे हो भैया? केवल ज्ञान को भी क्या लिख दिया? ओहो, शुद्ध पर्याय प्रकट करना हो तो शुद्ध पर्यायों का आश्रय मत करो। पंडित जी शाम का समय है, थोड़ा सरल करो। अच्छा सरल कर देखो, जिनको कठिन लग रहा है वो इधर आ जाओ पास में, मेरे ख्याल से सबको सरल लग रहा है। नहीं, मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूं। देखो, दहेज चाहिए हो तो शादी करो, दृष्टांत हो। लेकिन तुम कभी किसी के पास जाओ, भैया दहेज दे दो, ए भैया दहेज दे दो, ए भैया 10 लाख का दहेज दे दे, देगा कोई दहेज? सुनो, तुम्हें दहेज चाहिए हो तो दहेज का नाम तक मत लेना। दृष्टांत दे रहा हूं, जरा समझ जाना, बहुत प्यारा दृष्टांत है और केवल ज्ञान में घटेगा। फिर से कहता हूं, दहेज चाहिए हो तो दहेज का नाम नहीं लेना, दहेज की ओर देखना भी नहीं। आपने देखा कभी दूल्हे को? देखा दूल्हे को? वो मंडप में बैठा रहता है और उसी समय उसका पूरा दहेज सजा देते हैं, डबल बेड और क्या क्या होता है वो, बर्तन, सोफा सेट, अलमारी, गोदरेज, सोना चांदी, कपड़े सब सजा देते हैं। आप देखना दूल्हा ऐसे बैठा रहता है, एक बार भी ऐसे नहीं देखता। वीतराग दशा अर्ध नासाग दृष्टि। अब उसके जो वो होते ना भतीजे, भतीजे वगैरह, अब उनको चैन नहीं पड़ती। ये सब चाचा को मिला है, चाचा को, तो दौड़ दौड़ के चाचा चाचा जैन कार, कौन सी कार आती है, कौन सी आती है, सेंट्रो, चाचा सेंट्रो, हाँ ठीक है ठीक है, चाचा सोने के बर्तन, ठीक है ठीक है। बोलो कभी ऐसा देखा है जैसे बच्चे और बराती दौड़ दौड़ करके दहेज देखते हैं, ऐसे कभी दूल्हा देखता है? कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि जैसे वो हाथ पकड़े बैठा था,
भावनों के मंडप में इतने में खबर मिली कार, सो एकदम लपक के गया और हाथ फेर फेर, हमारी कार हमें दे रहे हैं, और सीट पे बैठ जाए, बहुत बढ़िया। सही बताना, आगे शादी होएगी कि छूटेगी? अब तो समझ आ गया दृष्टा, तुझे कार मिलेगी, तू कार मत देख, दहेज मिलेगा दहेज मत देख। बाबू भाई जी तो ऐसा कहते थे, जो दहेज की ओर देखते हैं उन्हें बतेसे मिलते हैं, और जो लड़की की ओर देखता है, मैंने दृष्टांत है, जो लड़की की ओर देखता है उसे पूरा दहेज मिलता है, लड़की भी मिलती है और दहेज भी, दृष्टांत है समझाने के लिए। ऐसे ही शुद्धात्मा में लीन रहने वालों को केवल ज्ञान का दहेज मिलता है, आत्मा में मग्न रहने वालों को, आत्मा पर मोहित होने वालों को, आत्मा की दृष्टि करने वालों को अनंत चतुष्टय का दहेज मिलता है, अनंत शुद्ध पर्यायों का दहेज मिलता है। बोलो, पर्याय की ओर देखें, प्रकट होने वाली पर्यायों की ओर देखें या ध्रुव की ओर देखें? ध्रुव की ओर देखें, इसका नाम है आश्रय योग्य उपाधि, और दहेज मिल गया इसका नाम है प्रकट करने योग्य। अब तो कठिन नहीं लग रहा, और चलूं आगे दृष्टांत और लो सारा। जो समझदार लड़के होते हैं वे दहेज की बात नहीं करते, वे एक बात कहते, देखो भैया हमें दहेज से बिल्कुल नफरत है, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमारे घर में कोई कमी है क्या? हमारे घर में कोई कमी नहीं है, आप हमें दहेज की बात मत करो। लेकिन लेकिन लड़की जोरदार होना चाहिए, ध्यान से सुनना। हाँ साहब, लड़की जोरदार कैसी होनी चाहिए? कि सुनो, लड़की का बाप 80 साल का हो, लड़की का कोई भाई ना हो, और लड़की का बाप अरबपति हो। नहीं समझ आया कोई? लड़की का भाई ना हो, लड़की की माँ ना हो, मात्र बाप हो, और वो भी खरबपति हो, और 80 साल का हो, और कैंसर का रोगी हो। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो केवल लड़की चाहिए। मैं सरल भाषा में कहो, भैया हम दहेज नहीं मांग रहे लेकिन अच्छी पार्टी चाहते हैं। ऐसे हम केवल ज्ञान नहीं चाहते, हम अच्छी पार्टी त्रिकाली ज्ञान चाहते हैं, जिसमें मग्न होने पर दहेज ऑटोमेटिक मिले। हमें दहेज नहीं चाहिए, अब तो समझ में आ गया। प्रकट करने योग्य उपाधि देखने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, और भगवान आत्मा का आश्रय करने पर दहेज आए बिना, केवल ज्ञान आए बिना रहता नहीं, बराबर है। इसलिए मुमुक्षु लोग केवल ज्ञान की वांछा नहीं करते, मोक्ष की कामना नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे करने की जरूरत क्या है? फिर वही वाली बात, लड़की देखने जाओ और आप दहेज की बातें करने लगो तो लोग पहले ही सोचेंगे पैसे का भिखारी है। बोलो, बिल्कुल नहीं करना, समझदार लोगों की तरह इशारा काफी है। दृष्टांत बहुत हो सकते हैं, एक दृष्टांत आखिरी दे दूं इसके लिए, बहुत समझना, मैं पक्का करना चाहता हूं इसलिए कहता हूं। एक बात बोलो भैया, एक बिजनेस ऐसा है, बिजनेस ऐसा है जिसकी इनकम 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपया लोगे कि वो बिजनेस लोगे? बोलो जल्दी बोलो, 1 करोड़ रुपया 1 सेकंड की इनकम है, आपको वो बिजनेस भी मिल सकता है और 1 करोड़ भी मिल सकता है, क्या लोगे? बिजनेस 1 करोड़ कम है, 1 करोड़ कितना होता है मालूम है? पंडित जी हम सब समझते हैं, लेकिन हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमें तो पर सेकंड में 1 करोड़ देने वाला वो बिजनेस चाहिए। ऐसे ही हमें केवल ज्ञान नहीं चाहिए, केवल ज्ञान जिसके आश्रय से प्रकट होता है प्रति क्षण नया 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 अनंत काल तक, ऐसा त्रिकाली ज्ञायक चाहिए। अब तो समझ में आई बात, त्रिकाली ज्ञायक का आश्रय करने लायक उपाधि, और केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य उपाधि, और आश्रय करने के लिए केवल ज्ञान सर्वथा, क्या कहा? सर्वथा हे है। अब तो समझ में आ गया आपको? अब आइए थोड़ी देर चर्चा आगे बढ़ाता हूं। चारित्र में 3 भाव होते हैं, ये चर्चा उस दिन बिल्कुल नहीं हुई थी, आज इसकी चर्चा करना है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, चारित्र के 3 भाव होते हैं, कौन कौन से? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। कौन कौन से 3 भाव? शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव। सबको याद हुआ? पहले थोड़ा समझा दूं, शुभ अशुभ शुद्ध को। आत्मा की निंदा करना अशुभ भाव, आत्मा की प्रशंसा करना शुभ भाव,
और आत्मा में मग्न रहना शुद्ध भाव। तीन बात कौन कौन सी बोली? आत्मा की निंदा अशुभ भाव, पाप भाव, आत्मा की प्रशंसा करना शुभ भाव, और आत्मा में मग्न रहना इस शुद्ध भाव। तीन भाव की परिभाषा याद हो गई। थोड़ा आगे चलेंगे, एक दृष्टांत देकर के आगे बढ़ेंगे। एक बार बताओ, रसगुल्ले का स्वाद लेना हो, रसगुल्ले का स्वाद लेना हो, पेट भरना हो, तो रसगुल्ले की निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा? बोलो भैया, फिर से बोलता हूं, रसगुल्ला टेस्ट करना है, रसगुल्ले का आनंद लेना है, तो उसकी निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा? जल्दी बोलो। तो सुनो, रसगुल्ले की निंदा पाप और रसगुल्ले की प्रशंसा पुण्य, ये दृष्टांत है, और रसगुल्ला खाना धर्म, बराबर है? अब वापस आ जाओ भैया, प्रवचन सार जी में पाप भाव को अशुभ भाव को अत्यंत हेय कहा। क्या कहा? पाप भाव को अत्यंत हेय कहा। जरा बोलो जरा एक बार, पाप भाव को क्या कहा? पाप भाव को क्या कहा? पाप भाव को क्या कहा? याद रखना, अत्यंत समझते हैं, अति का भी अंत आ जाए इसका नाम अत्यंत। क्या बोला? पहले तो अतिशयोक्ति बहुत खराब है, अति तो पहले ही हो रही थी, और अब क्या बोल रहे हैं? अति का भी अंत माने चरम सीमा, समझ में आया? अति माने चरम सीमा, इसका मतलब समझ में आया? अत्यंत हे का मतलब है हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पाप भाव जैनों को किसी भी कीमत पर खिंचित मात्र भी बर्दाश्त नहीं, इसका नाम है अत्यंत हे। मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जब पुण्य को हे कहा तो लोगों को यह बात मालूम नहीं थी कि स्वामी जी ने पाप को अत्यंत हे कहा। ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी सबको ऐसा लगता है, हे भैया जे मुमुक्षु हैं, ये सोनगढ़ी हैं, ये जयपुरिया हैं, ये पुण्य को तो हे कहती है, खूब पाप करो, खूब खाओ पियो, मजा करो और मोक्ष चले जाओ बस। बिल्कुल नहीं। आप पढ़ना प्रवचन सार जी के प्रवचन 12 नंबर की गाथा का, प्रवचन सार जी की गाथा है 12, उसका प्रवचन स्वामी जी का पढ़ना। पाप भाव अत्यंत हे है, पुण्य हे है, लेकिन पुण्य हे नहीं लिखा, पुण्य में कुछ और भी लिखा है। मैं समझाऊं, भूलोगे तो नहीं? पाप भाव कैसा है? अत्यंत हे, समझ गए? बिल्कुल, जिसका जरा समझो, मैं अत्यंत हे का उपाधेय दृष्टांत दूं, अत्यंत हे का दृष्टांत। राहुल गांधी अपने कांग्रेस कमेटी की मीटिंग लेके बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हार गए, कौन मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनेगा देश का, आदि आदि ऐसे विचार चल रहे। कल्पना करो कि उन्होंने पूछा आखिरकार अपनी पॉलिटिक्स जमाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इतने में एक व्यक्ति ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, सरकार नरेंद्र मोदी की, उसमें आपको सदस्यता ले लेनी चाहिए, बीजेपी के मेंबर बन जाना चाहिए। ये विचार सुनकर कैसा लगेगा उसे? कैसा लगेगा? एक दिगंबर जैन के लिए जो रात्रि भोजन नहीं करता हो और उससे पूछा जाए कि भैया हमें बहुत जम के भूख लग रही है तो हम क्या खाएं, और कोई उसे मांसाहार की बात करे तो कैसा लगेगा? हे क्या बात कर दी तुमने रे, बोलो। ब्रह्मचारी जी का भोजन कराना हो और उनसे पूछा जाए पंडित जी शुद्ध पिज्जा चलेगा कि बर्गर, तो कैसी बात लगेगी? कैसी लगेगी? पर जैसी लगेगी उसका नाम है अत्यंत हे। अत्यंत हे माने जो सुनने तक की इच्छा नहीं, जिसे देखना बर्दाश्त नहीं, जिसका विचार करना भी अच्छा नहीं लगता, इसका नाम है। स्वामी जी ने प्रवचन में कहा कि पाप भाव अशुभ भाव अत्यंत हे है। याद हो गया सबको? अत्यंत हे है, बराबर है? इसका मतलब जैन दर्शन में और समय सार जी पढ़ने वालों को, पूजन पाठ करने वालों को, पाप भाव अत्यंत है माने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, सुनना बर्दाश्त नहीं और करना तो बर्दाश्त रहे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से लिस्ट गिना दूं, रात्रि भोजन अत्यंत है, मिलावट, भ्रष्टाचार, बेईमानी, बोले जाओ जोर से बोलो,
लव अफेयर, अंतर जाति शादी, कैसी अभी कोई बात भी चलती ना भाई, इस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली मुसलमान से, अभी शकल बिगड़ गई, देखो सुने, देख शकल बिगड़ गई, देखो आपको समझ में आया, अत्यंत एक ही शकल, ध्यान रखना जरा ये शकल याद रखना भैया सभी लोग, लेकिन पूजा पाठ अत्यंत ही नहीं है। जब कोई ऐसा बोलता है ना, ए पूजा पाठ करते हो, ऐसा कोई नहीं बोलता, अरे पूजा पाठ करते हो बहुत बढ़िया। देखो पूजा पाठ अत्यंत ही नहीं है इसलिए शकल अच्छी होती है, श्रद्धा करते हो, अच्छा तीर्थ यात्रा करके आए, देखो कितनी अच्छी शकल भी अच्छी हो गई। तो अब मैं बोलूं पाप भाव कैसा है, अत्यंत ही। आत्मा की निंदा कैसी है, स्वाध्याय की निंदा कैसी है, पाठशाला की निंदा कैसी है, शिविर लगाने की उपेक्षा कैसी है, बहुत बड़ी लिस्ट हो गई। अब आगे चलो, अब पुण्य भाव, पुण्य भाव के लिए दो शब्द याद करना है, कथनचित हे और कथनचित उपाधि। क्या बोला, पीछे वाले बोलेंगे तो मुझे मजा आएगा, पीछे वाले थोड़े आगे आ जाओ, बहुत जगह इधर, एक तो ये दो दो कैमरे लगे हैं बीच में, तो आप मुझे नहीं देख पा रहे, मैं आपको प्यार से नहीं देख पा रहा हूं, है ना, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ इस साइड, जिनको मुझसे प्रेम हो और जिन वाणी सुनने के लिए ललक है, इतनी दूर दूर से आप आ रही, इधर से आ जाओ, इधर से इधर गैलरी में आ जाओ, बढ़िया जोरदार सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपकी प्रसन्नता मुझे को टॉनिक का काम करती है, बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर येलो गैलरी में, बहुत बढ़िया, नहीं हो तो मंच पे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आगे आ जाओ भैया, ऋषभ का बेटा आगे आ जाओ, आगे आगे आगे, बहुत जोरदार बात, एक बात समझ में आ गई ना, कठिन तो नहीं लग रही, पाप कैसे हैं, अत्यंत है, पुण्य कैसा है, कथनचित है और कथनचित उपाधि, दो बात लगा दी इसमें, कथनचित है और कथनचित उपाधि, कथनचित है और कथनचित, ध्यान रखना बोलने वाले सावधान रहें, पुण्य को मात्र हे ही मत कहो, कथनचित हे और कथनचित उपाधि कहो, पुण्य को हे नहीं कहना है आपको, पुण्य सर्वथा हे नहीं है, देख लेना पुण्य सर्वथा हे नहीं लिखा है, पुण्य को लिखा है कथनचित हे और कथनचित। अब मैं कथनचित हे उपाधि को समझाऊंगा, ध्यान रखना पूजा पाठ को मैं उपाधि भी कह सकता हूं और हे भी कह सकता हूं, कथनचित, जैसे जो व्यक्ति पूजा नहीं करता हो तो हम कहते भैया पूजा पाठ किया करो, भैया जरूर करा करो, बिना पूजा पाठ के कोई भगवान नहीं बनता, पूजा पाठ के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, पूजा पाठ किया करो, ये कथनचित उपाधि, और फिर वो पूजा पाठ ही करके रहता है, स्वाध्याय नहीं करता, चर्चा वार्ता नहीं करता, वेद विज्ञान नहीं करता, आत्मा का निर्णय नहीं करता, सात्वत का निर्णय नहीं करता, तो अब चेहरा बदल जाएगा, कहा तुमने इतने साल हो गए पूजा करते 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 सात तत्व नहीं मालूम तुम्हें, अब देखो वही पूजा को हमने हे कह दिया, बराबर है, समझ में आई बात, जब पूजा नहीं करता था तो पूजा करने की प्रेरणा की उपाधि, जो बच्चा दसवीं में नहीं आया नाइन्थ में है तो उससे कहते जल्दी करो टेंथ में आ जाओगे, जल्दी करो टेंथ में आ जाओगे, और जैसे ही वो नाइन्थ में पास हुआ और टेंथ में आया तो सबने बधाइयां दी और खुशियां मनाई, अरे भैया टेंथ में आ गए, अब तो बोर्ड, अब तो बोर्ड, अब तो बोर्ड, हाँ टेंथ, अरे बोर्ड, तो उस लड़के ने सोचा ये टेंथ बड़ी ऊंची चीज है, इतनी ऊंची चीज जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम 10 साल तो पढ़े बताओ कितनी मेहनत से अपन दसवीं में आए और सब लोग मेरे को बार बार कह रहे टेंथ बोर्ड, टेंथ बोर्ड, टेंथ बोर्ड, इसका मतलब अपने को दसवीं थोड़ा ढंग से रहना चाहिए, अब सही बताए ना, वो दसवीं में ही रुक जाए तो अब सारे के सारे घर वाले के दसवीं में टंगे हैं, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, ये नहीं कि ढंग से पढ़े, उसी समझ में नहीं आ रहे, जब हम दसवीं में नहीं आए थे तब तुम पिंच करते थे दसवीं में, और अब दसवीं में आ गए तो कह रहे ए आगे बढ़, बस इतना ही समझाना है मुझे, पुण्य भाव यूं समझो जरा, बहुत अच्छा दृष्टांत दूं आपको, बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, मुझे बाबू भाई जी की बहुत याद आती है, मुझे ऐसा लगता है बचपन में उनके संस्कार मेरे में बहुत आए, वो ऐसे दृष्टांत देते, सुनने जैसा दृष्टांत है, बड़ा प्यारा दृष्टांत है, मंदिर के दरवाजे, एक दरवाजा होता है मंदिर का, एक दरवाजा होता है जिसको देहरी कहते हैं, देहरी, और देहरी के बाहर अशुभ भाव,
देहरी के भाव हर अशुभ भाव और देहरी शुभ भाव, उस शुभ भाव को भी लांग करके अंदर चले जाओ तो भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन, बराबर है। अब जरा ध्यान से सुनो, यदि आप देहरी के बाहर खड़े रहोगे तो अशुभ में खड़े रहोगे और देहरी पर खड़े रहोगे तो भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए कि बाहर तो खड़े ही मत रहना, देहरी पर आना लेकिन रुकना नहीं, पॉइंट पकड़ा जाए, देहरी पर रुकना नहीं, अंदर जाओ। देहरी पर खड़े रहोगे तो भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, अंदर जाओ। जिसको स्वामी जी अपने प्रवचन में बड़ी बड़े प्रेम से कहते थे, उड़ंगी जाना, उल्लंगी जाना, उल्लंघन लांग जा, समझ गए, लांग जा। ऐसे ही अशुभ भाव है बाहर और शुभ भाव है, शुभ भाव पूजा पाठ व्रत उपवास देरी, और इस देरी को भी जो लांग जाए, शुभ भाव को भी जो लांग जाए, उसे निज भगवान आत्मा का दर्शन प्रकट हो जाता है। अब अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना हो तो देरी पर आना भी पड़ेगा और लांगना भी पड़ेगा। रुक गया थोड़ा मेरा प्रवचन, थोड़ी देर के लिए रुक गया। अभी अपन क्या करते हैं, पंडित जी 25 साल से पूजा कर रहे, ये तो ऐसी बात हो गई, 25 साल से देरी पे खड़े, भगवान के दर्शन ही नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे भगवान के दर्शन, कि तुम देरी पे तो खड़े हो। देखो जो लोग मंदिर नहीं आते उन्हें भी भगवान आत्मा नहीं मिलेगा, और मंदिर आकर के मंदिर में खड़े रह गए, बोलो बोलो, तो भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई भी जरूरी है और पढ़ाई का छोड़ना भी जरूरी है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करें ये अशुभ भाव, और MBBS की पढ़ाई करें ये शुभ भाव, और फिर MBBS के कॉलेज को ना छोड़े तो डॉक्टर कब बनेगा। अब तो समझ में आया, जैन शासन में पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करते, उन्हें प्रेरणा करते हैं पूजा पाठ व्रत उपवास करो, 7 तत्व का निर्णय करो, और जो निर्णय कर लेते हैं उनसे कहते हैं इनमें अटको मत, पुण्य में अटको मत, शुद्ध स्वभाव में रमणता करो, आत्मा में लीन हो। अमृतचंद स्वामी ने बहुत अच्छे वाक्य लिखे हैं मोक्ष अधिकार में, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। क्या बोला, उपदेश तो नीचे गिरने के लिए दिया जाता है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए। यदि हमने कहा है शुभ भाव भी जहर है, शुभ भाव भी जहर है, इसका मतलब अशुभ भाव की तो बात ही क्या रही। बात समझ में आई आपको, अब तो दृष्टांत की जरूरत नहीं है। फिर से 3 बातें थी, कौन कौन सी, चारित्र गुण में 3 बात होती है, चारित्र गुण में 3 तरह की पर्याय होती है, कौन कौन सी, शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव। आत्मा में लीनता ये शुद्ध भाव, पापाचार में खड़े रहना ये अशुभ भाव, पुण्य में पाप से, अब ध्यान से सुनना पॉइंट बदल रहे, पाप से बचने के लिए पुण्य में आना जरूरी है। क्या बोला, पाप से बचने के लिए पुण्य में आना, पाप से बचने के लिए पुण्य में आना, अभी रुक जाओ। लेकिन शुद्ध में जाना हो, शुद्ध में जाना हो तो यहां अटकना चाहिए या शुद्ध में आएंगे तो छूटेगा, छोड़ना कि छूटेगा, छोड़ना कि छूटेगा। बहुत सरल काम हो गया, बहुत सरल काम हो गया। चलूं आगे, चलूं, स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा गया, वो उसकी मैं जवाब देता हूं। बहुत सारे देश भर के विद्वान, कम से कम यूं समझो स्वामी जी के समय में कम से कम 250 विद्वान पूरे इंडिया से आकर उनकी परीक्षा लेते थे, उनकी परीक्षा हो। तो एक बार एक विद्वान ने एक प्रश्न रखा, देखें स्वामी जी क्या जवाब देते हैं। प्रश्न बहुत जोरदार था, सुनने जैसा प्रश्न था, साहेब पाप तो हम करना ही नहीं चाहते, पाप तो हम करना ही नहीं चाहते, और आत्मा में लीन हो नहीं पा रहे, समझ गए, आत्मा में लीन हो नहीं पा रहे, तो पुण्य करें, तो वर्तमान में पुण्य करें, और अब हमारे हाथ में क्या बचा, पाप हमको करना नहीं है और आत्मा में लीन हो पाते नहीं है, तो हम पुण्य करें। बोलो आप सबका क्या होता है, सच्ची बात है भैया, और क्या करें, पुण्य करना पड़ेगा भैया, बहुत बढ़िया, तुम लोग खूब पुण्य करो। स्वामी जी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया, पुण्य भाव हो उससे भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहिए। क्या जवाब दिया,
पुण्य भाव हो, करें करें नहीं का पुण्य भाव हो तो आत्मा का भेद विज्ञान करके अनुभव करना चाहिए। पुण्य करता हूं मैं, पुण्य का करता हूं ये नहीं कहा, पुण्य करना चाहिए ये नहीं कहा। और अच्छे से बताऊं, अरे आत्मा में नहीं जा पाते, देखो इधर आत्मा में नहीं जा पाते और पाप में रहना नहीं चाहते तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, वो तो हो रहा है ना। बोलो, जैसे अभी आप लोग यहां बैठे हो तो आत्मा में लीन हो नहीं रहे और गाली गलौज कर नहीं रहे, टीवी देख नहीं रहे, तो अब ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, सबको क्या हो रहा है, पुण्य भाव तो अपने आप ही हो रहा है। लेकिन इस पुण्य भाव का नाम धर्म नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा का आश्रय नहीं। पुण्य करते 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 धर्म होने वाला नहीं है। पंडित भाई यही तो गड़बड़ तुम्हारी, इतनी अच्छी बात समझा देते हो और फिर कहते हो पुण्य में धर्म नहीं। तो हम आपसे फिर पूछ रहे, बोलो भैया रसगुल्ले का स्वाद लेना हो तो रसगुल्ले की निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा, बोलो भैया निंदा करेंगे प्रशंसा, बोलो। अब आप आ गए ना, आप आ गए, आप कह रहे हो रसगुल्ला खाओ, प्रशंसा करने से भी स्वाद आता, निंदा करने से तो आएगा ही नहीं, निंदा करने से तो आएगा ही नहीं, लेकिन प्रशंसा करने से भी आनंद आने वाला। ऐसे ही ध्यान से सुनो, आत्मा की निंदा करने वालों को तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं, लेकिन आत्मा की प्रशंसा करने वालों को भी। ए, क्या कह रहे हो, हम लोग आत्मा की प्रशंसा करते कि नहीं? सात तत्व, छह द्रव्य, द्रगुण पर्याय, 47 शक्ति, क्यों ये हम चर्चा कर रहे, धर्म की चर्चा कर रहे तो अच्छी कर रहे कि बुरी कर रहे? कि सुनो, निंदा करने वालों की तुलना में तो तुम अच्छे हो। क्या बोला, आत्मा की निंदा करने वालों की तुलना में तुम अच्छे हो। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, तुम्हारे लिए आत्म कल्याण की संभावना है, मौका है, अवसर है। निंदा करने वालों को तो, आत्मा की निंदा करने वालों को तो अवसर भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो। लेकिन ध्यान रखो, आत्मा की प्रशंसा, निंदा करने वालों को तो अनुभव होता नहीं है, लेकिन प्रशंसा करने वालों को भी। कब तक नहीं होगा? जब तक वो प्रशंसा में धर्म मानेंगे तब तक नहीं होगा। प्रशंसा करते करते भी आत्मा अच्छा लगा, उसका आश्रय हुआ, इसका नाम है धर्म भाव। बराबर है? बहुत अच्छे एक दृष्टांत दे दूं तो आपको पुण्य की हेयता समझ में आएगी। ध्यान रखना, अब मैं पुण्य की हेयता समझाऊंगा। आपको याद है चारित्र के तीन भाव हैं, पाप भाव, पुण्य भाव और धर्म भाव। धर्म भाव का नाम शुद्ध उपयोग भी है, ध्यान रखना। बराबर है? जरा समझो, एक व्यक्ति को गांव से दिल्ली आया और उसे ऐसा लगा सुबह सुबह, हे भगवान पहला दिन है, कहीं से 100-200 रुपए का काम मिल जाए तो बड़ा आनंद आए। वो आकर के खड़ा नहीं हुआ, इतने में एक सेठ जी आए, भैया काम करोगे क्या, कितने पैसे लोगे, ये दे देना सेठ जी। तो सेठ जी ने सोचा जी नया नया है, तो बोले 200 रुपए लोगे, और यही तो हम सोच रहे थे, वाह भगवान जरूर हमने पिछले जन्म में खूब पुण्य बांधा होगा। भगवान ने सुन ली सुबह सुबह, फटाफट 200 रुपए का काम मिल गया, कितना खुश हो रहा है वो। पहला दिन 200 रुपए का काम मिल गया, अभी घर पर गया, दिन भर खुश काम करते करते करते, शाम को जब सैलरी बटने का नंबर आया, बेजेज मजदूरी बटने का नंबर आया, तब उसे 200 रुपए मिले। लेकिन उसी काम के उसके साथ में 5 आदमी और काम कर रहे थे, उन्हें 500-500 मिले। हाँ भैया, अब बोलो 200 रुपए कैसे लग रहे हैं, बोलो 200 रुपए कैसे लग रहे हैं। अब सुबह से 8 घंटे मजदूरी करते समय लगता था थैंक्स गॉड, आपकी बड़ी कृपा है, आप बहुत ध्यान रखते हो अपने भक्तों का, अब क्या लग रहा है भैया, अब क्या लग रहा है। खैर अब कोई बात नहीं, पहला दिन था, अब दूसरे दिन कितने पैसे में काम करेगा, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, ठीक है। अब अगले दिन वो 500 रुपए से कितने कम लेगा, बोलो। अब कल्पना करो कि अगले दिन उसे 500 रुपए का काम मिला, लेकिन उसी काम के जिस जगह वो काम कर रहा था वहां 1000 रुपए मिल रहे थे सबको। अब 500 में कैसा लगने लगा,
सेम काम के 1000 रुपए मिले दूसरे, इसे 500 मिले, हाँ भाई कैसा लगेगा? क्या कमाल है, जो चीज थोड़ी देर पहले पुण्य का उदय लग रही थी थोड़ी देर बाद वो ही पक्का। ऐसे ही पाप करने वालों को पुण्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य करने वालों को जब ये मालूम पड़ता है, ओ भगवान के अंतर्मूल सम्यक दर्शन, भगवान जिनेन्द्र की एक बार दर्शन पूजन के फल में तो सम्यक दर्शन होता है, और मुझे पुण्य मिला बस, मुझे स्वर्ग मिला बस, मुझे साधा बेदनी पैसा पत्नी बच्चे मिले बस, अरे मैं ठगा गया। अगली बार उसे पूजा पाठ में पुण्य पसंद नहीं आता, अगली बार में उसे पूजा पाठ के बदले में यदि चाहिए तो रत्नत्र चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। बहुत सरल दृष्टांत था, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई ये अब स्वर्ग में कौन खुश होगा, बोलो जरा। हाँ भगवान के दर्शन करने का फल तो सम्यक दर्शन है, केवल ज्ञान है, मुनि दशा है, बोलो क्या चाहिए। एक दृष्टांत दे दिया, इसी को पक्का करने के लिए और एक दृष्टांत देता हूं ताकि जिंदगी भर याद रहे, आज के बाद ये नहीं लगना चाहिए अरे भैया हम तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग स्वर्ग। देखो स्वर्ग की गारंटी चाहिए तो वो तो मैं ही दे देता हूं आपको, कि इतने जीव बैठे हैं सब स्वर्ग में मिलेगी लगता है, समझ में आया? इसकी तो कोई चिंता ही मत करो, बात तो है कि मोक्ष में मिलेंगे। सुनो अभी कहा था दहेज देखने वालों को दहेज नहीं मिलता, ऐसे स्वर्ग चाहने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन जो आत्मा की रुचि रखते हैं उन्हें स्वर्ग मिले बिना रहता। इसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं, आप करना नहीं होंगे समझना, मैं बहुत बढ़िया दृष्टांत देता हूं, सुनोगे सब लोग दृष्टांत। एक व्यक्ति के पास एक चमकीला पत्थर था, कितना बड़ा, लंबी स्टोरी नहीं करूंगा छोटी करूंगा ना, तो उठा ले आया, चमकता हुआ अच्छा पत्थर था, घर में ले आया, उठा गया एक कोने में रख दिया, तो रात को उजाला होता था उसका, रात को बढ़िया उजाला होता था, रात को कहीं मशीन चलाना होए, सुई में धागा पिरोना होए, तो वो उस पत्थर की रोशनी में ऐसे सुई धागा भी पिरो लेता था। इतने में वो ऐसा प्रकाश था ना, जोरदार प्रकाश देख करके एक जवेरी निकल रहा था बाहर से, उसने ऐसा प्रकाश काहे काहे से जरा झांक करके देखा, तो वो हाथ में जो चमक रहा था ना पत्थर वो दिखा उसे, तो संयोग से वो अंदर आ गया। क्यों भैया ये पत्थर कहां से लाए? कि सेठ जी हमारे खेत में पड़ा था, समझ गया इसे, इसे पता नहीं है कि ये क्या है, क्या नाम है इसका? तो बोले सुई पोइना है। क्या है? सुई पोइना, सुई पोइना समझ गए, मैंने उसके उजाले में सुई पो लेता था धागा, ठीक। बोले बेचोगे? अरे सेठ जी अब हम कहां बेचे, हमें तो खेत में मिलो था। अच्छा ठीक, कितने में दे रहे? बोलो जो आप दे उसे दे दे। 5 रुपये लोगे? 5 रुपया? हाँ। देख पुण्य का उदय लग रहा था उसे। इतने में ही दूसरा जवेरी भी संग में खड़ा था, ए ठगो मत, 100 रुपये दे रहे हम। वो 5 में खुश हो रहा था, 100 रुपये में और खुश हुआ। पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? अभी वो 100 रुपये में बेचने ही वाला था, इतने में पहला वाला बोला ए तू ठग रहा है, मैं 10,000 देता हूं। और पुण्य का उदय आया कि नहीं आया सोचो जरा। दूसरे नंबर वाले ने कहा 1,00,000 तो हम दे रहे। दोनों बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ पे आ गए। यदि किसान की जगह तुम हो गए तो क्या होगा बोलो? दोनों को भगा दो, भगो तो ही। ध्यान से सुनना, पहले पुण्य का उदय लग रहा था 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ पुण्य का उदय लग रहा था, और अभी लग रहा है दोनों को भगाओ। ना मालूम इसकी कीमत क्या है। ध्यान रखना, असली, ध्यान से सुनना, असली कीमत मालूम हुए बिना ही हमें कीमत का बढ़ना पुण्य का उदय लगता है। ऐसे आत्मा की असली वैल्यू सिद्ध दशा है, शुद्धोपयोग है, जब तक इसकी खबर हमें नहीं होती तब तक ही हमें पुण्य के उदय में पुण्य का उदय लगता है। स्त्री पुत्र आदि मिल गए, हा भगवान अच्छी जोड़ी बनाई, अच्छा व्यापार धंधा हो गया, हे भगवान आपकी कृपा। और इसीलिए मैंने कोटा में तो एक जगह देखा, कोटा में, कि जैसे ये लोग लिखते हैं ना गणेश जी प्रसन्न रहें, लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहें, तो उन्होंने अपने बही खाते पे लिखा था महावीर भगवान सदा प्रसन्न रहें। अब मैं कैसे समझाऊं कि महावीर भगवान क्यों
वे दुखी रहते हैं, तुमसे पूछ पूछ के प्रसन्न होंगे, लेकिन बेचारे अब स्वाध्याय नहीं करते ना, ये गड़बड़ हो जाती है। अभी मुझे वापस आने दो, फिर से बोलो भैया जो हीरा 1 लाख में बिके तो पुण्य का होता है कि 1 करोड़ में बिके तो पुण्य का होता है, बोलो बोलो। 100 रुपए में बिक रहा था तब उसे पुण्य का उदय लग रहा था, फिर 1000 में बिकने लगा तो 100 रुपए वाला पाप का उदय लगने लगा, और 1000 पुण्य का उदय, और अब 1 लाख में बिके तो 1000 में बिकना पाप का उदय लगने लगा और 1 लाख पुण्य का उदय। ये दृष्टांत है सारा। फिर से कहता हूं, फिर से भैया, आत्मा की कीमत जाने बिना, आत्मा का स्वरूप जाने बिना, मैं भगवान आत्मा हूं, भगवान बनने के लिए जन्मा हूं, स्वर्ग जाना मेरी कीमत नहीं है। कोई अज्ञानी मूर्ख कोई स्वाध्याय नहीं करने वाला ही खुश होता है, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हमें अच्छी पत्नी मिलेगी, क्यों पूजा क्यों करना चाहिए, बढ़िया पत्नी मिलेगी जोरदार, क्यों भगवान की पूजा पाठ क्यों करना भैया, शिविर क्यों लगाना। पंडित जी हमें तो पक्का विश्वास है पारसनाथ भगवान संडे के दिन वे भी फ्री रहते होंगे, अपन भी फ्री रहते हैं, और संडे को तो ही खुश, बिजनेस बढ़िया चलेगा। ये सब अज्ञानियों की कल्पना है। फिर से बोलता हूं तीसरी बार, हीरे की पूरी कीमत मालूम होने वाले को अधूरी कीमत में खुश होता, ऐसे ही आत्मा परमात्मा बनने के लिए है भैया, आत्मा की पूरी वैल्यू है परमात्मा पना। इसे जानने के बाद स्वर्ग में कौन खुश होगा, पैसे में कौन खुश होगा, प्रशंसा में कौन खुश होगा, पूछ लूं भैया पूछ लूं। सब लोगों ने शिविर में बहुत काम किया है, एक एक को बुलाओ और माला पहनाओ, लेकिन सही में इस प्रशंसा में वो ही खुश होगा जो बेवकूफ होगा। अरे साहब वीडियो के सामने हमारा बना था, हमें माला पहनाई, उन्होंने कहा साहब आप नहीं होते तो हमारा शिविर कौन संभालता, तूफान में तुम ही थे क्यों। लेकिन सही बात बता ना, ये जैन शासन और पूरा विश्व, पूरा विश्व कभी राम थे तो भी चल रहा था, अब राम नहीं है तो भी चल रहा है, कभी महावीर भगवान थे तो भी चल रहा है, और महावीर भगवान नहीं है तो भी चल रहा है, कल इंदिरा जी थी तो भी चल रहा था अभी भी चल रहा है, और कल हम में से कोई नहीं होगा तो भी इस दिल्ली की धरा पर ऐसा मंडप फिर बनेगा, और फिर नए सुनने वाले आएंगे, और फिर नए सुनाने वाले आएंगे। तुम्हारे भरोसे बैठे, हमारे भरोसे बैठे बोलो। कल स्वामी जी थे तब बड़ी सभाएं लगा करती थी, बाबू जी युगल जी आते थे तब बड़ी सभाएं लगती थी, अभी डॉक्टर साहब आते हैं तो बड़ी सभाएं लगती हैं, फिर इन्हीं शास्त्री पढ़ने वाले बच्चों में से, आत्मार्थी स्वाध्याय प्रेमी बच्चों में से फिर एक स्वामी जी जन्मेंगे, फिर एक डॉक्टर साहब जन्मेंगे, और इस स्वाध्याय की परंपरा बंद होने वाली नहीं है। हम हैं क्या बताओ। बहुत सोचना शांति से। अब मैं फिर से कहता हूं, बोलो भैया केवल ज्ञान चाहिए कि दुपट्टा चाहिए, एक दुपट्टा एक मिनट पहना, वो फोटो मोटो खींची, एक माला हुई, एक मोमेंटो मिला, ये तो बहुत महंगा सौदा है, 20 दिन की मेहनत में इतना सा सामान, बताओ 20 दिन में अपने दुकान बंद करी, इतनी हार्ड तोड़ मेहनत करी, एक आदमी को 500 रुपए रोज की मजदूरी दो तो कम से 20-25-100 कितने हो गए, पता नहीं कितने हो गए, 10,000 हो गए, कितने कुछ हो गए, मुझे नहीं मालूम हिसाब, जो हिसाब लगा लेना। अच्छा जी तो कुछ मिला ही नहीं। सुनो, जिसकी इसमें प्रसन्नता नहीं है, यश में प्रसन्नता नहीं है, फोटो में प्रसन्नता नहीं है, ऐसे जीवों के लिए केवल ज्ञान तैयार है। समझदार के लिए घाटा नहीं खाएगा वो। हमारे पंडित साहब बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, मैं सरल दृष्टांत देकर समझाता हूं आपको। देखो पुण्य में अटकना नहीं इसलिए दृष्टांत दो, ऐसा नहीं सोचना भैया जिन्होंने सम्मान करा लिया तो उन्हें चिढ़ा रही, हम तो ये कह रहे प्रसन्न मत होना, इनमें क्या रखा है, सम्मान में दर ही क्या है, और कौन करे सम्मान, कौन करे बता। मैं तो असली सम्मान की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। जब अपन समय शिखर जी जाते हैं तो घर में छोटा सा बच्चा होता है 4 साल का 3 साल का, तो वो भी जिद करने लगता है हम भी चलेंगे समय शिखर जी, हम भी चलेंगे रेलगाड़ी में बैठ के, हम भी चलेंगे। तो अब उसे ले जाना नहीं है, क्यों, इनके चक्कर में सुबह से दूध चाय करो, फिर जो रोन लगे फिर नाश्ता ले जाओ, और पर्वत पे भी जाओ तो इनको ध्यान रखो, बड़ी परेशानी। तो अपन ने धीरे से कहा देखो बेटा तुम चाचू के साथ घूमना,
चाची तुम्हें पीपी पे घुमाएंगे, और सुनो ये 5 का नोट रख लो, टॉफी खाना, समझ गए दृष्टांत। अब बच्चे के सामने दो ऑप्शन है, एक सम्मे सिगर जी और एक 5 रुपया। यदि उसे सम्मे सिगर जी जाना है तो किसी ऑप्शन में नहीं फंसना चाहिए। पॉइंट पकड़े? आपने देखा कभी बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो गोद में होता है और उसे 5 का नोट देते हैं, यदि उसका टारगेट सम्मे सिगर जाना है तो वो दोनों मुठ्ठियां ऐसे बंद कर लेता है, 5 का नोट लेता नहीं, और उसके 5 का नोट जबरदस्ती घुसाते हैं उसके हाथ में, जबरदस्ती उसके हाथ में, बोले नहीं रहा। और अब कभी अपने उसके हाथ खोले पकड़ा ही दिए तो ऐसे फेंक देता है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो समय सिगर जी, हमें नहीं चाहिए। तो फिर अपन कहते देख 5 का नहीं 100 का ले ले, एक काम करना चाचा के साथ जाके तू नई ड्रेस खरीद लेना और वो हवाई जहाज खरीद लेना है, और चाचा दिलाओगे ना तुम इसे, जाओ इसे बाजार ले जाओ, हवाई जहाज दिलवा देना, हाँ हमें नहीं चाहिए, 1000 ले ले, नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, दृष्टांत बहुत मार्मिक है। जो बच्चा किसी भी कीमत पर अटकेगा तो समय शिखर जी नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही पुण्य की लक्ष्मी, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, मकान हो, दुकान हो, स्वास्थ्य हो, यश हो, और यहां तक कि स्वर्ग हो, तुम जहां भी अटकोगे तो केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। हमें पुण्य की सामग्री नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए शुभ भाव का फल, हमें तो हर हाल में शुद्ध उपयोग और केवल ज्ञान ही चाहिए। इसका नाम है त्रिकाली गाय का आश्रय योग्य उपाधि, और केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य उपाधि, लेकिन केवल ज्ञान भी आश्रय करने लायक। इतनी बात आई, बहुत चर्चा है, अत्यंत हे पुण्य कैसा है, कथनचित हे और कथनचित, दो बात है, नीचे गिर रहे हो तो कथनचित उपाधि, और ऊपर चढ़ना हो तो कथनचित हे। याद रह जाएगी बात, कौन को याद हो गई भैया? पुण्य कथनचित हे और कथनचित उपाधि, याद रखना। और मैं देखो आपको एक बात कहूं, सारे हिंदुस्तान में अधूरी चर्चाएं होती है स्वामी जी के बारे में, मैंने जो प्रकरण उठाया है वो पूरा उठाया है, और मैं चाहता हूं कि 12 नंबर की गाथा और 200 नंबर की गाथा के बाद एक कलश आया है, द्रव्यानुसारे चरणम और चरणानुसारे द्रव्यम, आप इसका प्रवचन स्वामी जी का जरूर पढ़ लेना, नहीं हो तो डॉक्टर साहब का प्रवचन सार का अनुशीलन में पढ़ लेना। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, दारू मांस खाने वाला, रात्रि भोजन करने वाला, अभक्ष खाने वाले को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। लिखा है, अनाचार और पापाचार करने वालों को कभी धर्म नहीं होता। अरे रे सुनो तो भैया, सारा जगत पाप को पाप कहता है तो स्वामी जी पाप को धर्म कैसे कह देंगे? पाप करने की प्रेरणा तो कोई नहीं देता, हम लोग कैसे देंगे समय सार जी पढ़ करके? नंबर 1, पुण्य को हे कहने का मतलब केवल एक है कि गिर करके पाप में चले जाओ, ये नहीं कहना, बल्कि जब पुण्य को हे कहते हैं इसका मतलब है कि शुद्ध आत्मा में लीन हो, रत्नत्र प्रकट करो, केवल ज्ञान प्रकट करो, माने हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, नीचे गिरने की बात नहीं होती। बराबर हो गई? पाप भाव कैसा है, रात्रि भोजन कैसा है, लड़ाई झगड़ा कैसा है, माता पिता की सेवा नहीं करना, नफरत करना कैसा है, अब लगाते जाना। पुण्य भाव, देव सासुरों की पूजा करना कैसा है, हाँ कथनचित उपादे और कथनचित हे, एक ही बात को दो बार कह रहे हैं, पूजा पाठ हे है ऐसा कहें तो इसका मतलब शुद्ध भाव में जाओ, और जब कहें पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए इसका मतलब पाप नहीं करना चाहिए। जल्दी बोल गए क्या, समझ में आया? फिर से मैं कहूंगा भैया व्रत उपवास करो, इसका मतलब पाप नहीं करो, और जब मैं कहूं भैया व्रत उपवास मत करो भैया आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो माने आत्मा में मग्न हो। बराबर समझ में आई बात? अब तो कठिन नहीं हो रहा। हे का मतलब घृणा नहीं, हे का मतलब नफरत नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि केवल ज्ञान नफरत करने लायक नहीं है। और एक बात और कहूं, संबर निजरा मोक्ष, ये हे कहीं आश्रय के लिए हे कहे, मोक्ष भी हे कहा काय के लिए, आश्रय के लिए। अभी समझा दिया मैंने, दहेज वाला एग्जाम्पल देखे, आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का भेद भी हे है, अनंत गुणों का भेद भी हे है। हे माने घृणा नहीं, नफरत नहीं,
हे मने इनका विकल्प करने से आनंद आने वाला नहीं है। मैंने खीर का एग्जाम्पल दिया था, रिपीट कर रहा हूं, खीर में बहुत सारी चीजें हैं, हैं, लेकिन उनका विचार करने से उसका आनंद आता नहीं। ऐसी आत्मा में अनंत गुणों का भेद होए है, लेकिन उनका विचार करने से आनंद आता नहीं। अब तो समझ में आ गई आपको बात मेरे ख्याल से। हे अत्यंत हे कथनचित, हे कथनचित उपाधे, और मोक्ष की पर्याय 100% निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित प्रकट करने योग्य उपाधे है। बराबर, इस तरह से आप हे गे उपाधे का विचार करना। छह चीजें घटाई, दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र और मन वचन काय। चारित्र और आचरण में अंतर समझ लो। चारित्र में होते हैं पुण्य भाव, पाप भाव और धर्म भाव माने शुद्ध भाव, और आचरण माने मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो ये हमने उसका अंतर भी समझा दिया, हे उपाधे भी समझा दिया। आप लोग मेरे ख्याल से अब आपको स्वामी जी के बारे में, समय सारजी के बारे में, मुमुक्षुओं के बारे में किसी प्रकार की दुविधा भी नहीं होनी चाहिए और कोई भ्रम भी नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं गलत है तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं उसका समाधान करूंगा। अभी समय हो गया। ओम नमः शिवाय। कल के सभी कार्यक्रम यथावत हैं। कल रविवार का दिन है, आप सबके लिए थोड़ा सा रिलैक्स का दिन है। और कल शाम को जिस प्रकार हमने 25 तारीख को जो देश भर के जो हमारे प्रमुख मुक्षु समाज के लोग हैं जिन्होंने इस मिशन के प्रभावों में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, ऐसे कुछ और महानुभावों का विशिष्ट